हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी का सिलेबस और जानेंगे कि इस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी पीजीटी में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है, और ये जो वैकेंसी है ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका वो साइंस हो जाए, चाहे आप फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो सारे सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी को निकाला गया है यूपी पीजीटी में। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है यूपी पीजीटी का, वो सिलेबस हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको पता चले कि आपको क्या क्या जो टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस, ये आप डायरेक्टली जो है यूपी एसएससीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो सिलेबस वो डाउनलोड कर दिया है और मैं ये जो सिलेबस है आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है एक और डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और डेटा, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट जो फाइलम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म वो भी दे रखे हैं, जैसे कि अगर आप बात की एंटामीबा का या पैरामीसियम का, तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है और जो इनका लाइफ साइकिल है वो सारा जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं इसमें सिर्फ आपके साथ जो है वो सिलेबस डिस्कस करूंगा, मैं अपने अगले वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी जो बुक्स है वो यूज कर सकते हैं और कौन सी बुक्स के थ्रू जो है आप इसका एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो इन्होंने टीनिया की, यानी कि टीनिया की जो संरचना यानी स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल दे रखा है, ऐसे करके आप देख सकते हैं जी। और दो ऑर्गेनिज्म जैसे वोकेरिया बेनक्रॉफ्टी हो गया, उसका लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो है लाइफ साइकिल और यहाँ पे जो उसके सेलेंट फीचर्स और जो उनका स्ट्रक्चर वो सारा जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मोलस्का का भी दे रखा है कि मोलस्का का भी आपको पढ़ना है, साथ ही साथ पाइला का पढ़ना है, इचिनोडर्मेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सबका भी आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबका लाइफ साइकिल, और देखिए यहाँ पे जो फिश का भी दे रखा है कि फिशेस की आपको स्ट्रक्चर संरचना और उसका जो लाइफ साइकिल है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है एक और डेटा में। अब बात कर देते हैं हम कॉर डेटा में। तो देखिए कॉर डेटा में आपके क्या क्या आएंगे, देखिए कॉर डेटा में आपका जो है देखिए एम्फीबिया में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मछलियों में चलन, ठीक है, साथ ही साथ देखिए एम्फीबिया में पेट्रक संरक्षण रक्षण, ये सारी चीजें, यूरोमेटिक्स यूरोमेट्रिक्स की संरचना, ठीक है, और जो स्नेक्स हैं पॉइजनस नॉन पॉइजनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जो है इंडिया में जो स्नेक्स पाए जाते हैं चाहे वो पॉइजनस हो चाहे नॉन पॉइजनस हो, उनका स्ट्रक्चर उसमें आप कैसा जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसी पक्षियों में प्रवसन, ठीक है, वायुवी अनुकूलन, ठीक है, कोलंबा की संरचना प्रकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, और जो बर्ड्स, देखिए यहाँ पे बर्ड्स का भी आपको यहाँ प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा, उसकी वायु भी अनुकूलन, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए प्रोटीथेरिया मेटाथेरिया और ड्यूटीथेरिया का आपको जो है सेलेंट फीचर्स, ये सारा जो है आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये सारा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कॉर डेटा में। वही नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये आपका रहेगा परिवर्धन जैविकी, परिवर्धन जैविकी, ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्तनधारियों में उपरन्यास एवं जरायु जुता का विकास, कीटों में कायांतरण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिकीय विशिष्टीकरण एका नियम, ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक हो गया है। ऐसे देखिए वर्गीकरण विज्ञान में आपको वर्गीकरण की विधियां पढ़नी पड़ेंगी, स्पेसीज की अवधारण, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे और इनका जो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, साइलेंट फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए एम्फीबियस में आपको बोला गया है फ्रॉग एवं चिक के परिवर्धन की रूपरेखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये भी आपको जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिवर्धन जैविकी में। अब बात कर दे पर्यावरणीय जैविकी एवं विश्व विज्ञान में, ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा अंदर जो इन्होंने सब टॉपिक सब में दे रखे, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का समस्थापन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जलीय एवं स्थलीय आवास, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वहीं पर्यावरणीय प्रबंधन, ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वहीं देखिए वन जीवन में आपको जो है इसका समान अध्ययन करना पड़ेगा वन जीवन का, ठीक है,
साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान एवं आरक्षित जीवन मंडल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको बहुत ही जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है पीजीटी में। वही वन्य जीवन संरक्षण के नियम, ये सारे भी आपको जो है इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जो कि जैव संख्यिकी, जो कि मेजर टॉपिक है, इसके अंदर जो है आपको जो है सम स्मॉलर या सब टॉपिक मिलेंगे। देखिए टी टेस्ट जैसे पैदिंगटा, प्रसरण का विश्लेषण, नल हाइपोथेसिस, ये सारे जो आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, तो आप बायो स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिए समान वितरण, द्विपद वितरण, पायसन वितरण, ये सब भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, जैसे संतुलित आहार में पोषक पदार्थों की आवश्यकता, ठीक है। ऐसे देखिए पाचक रसों के स्राव का नियमन, श्वसन एवं गैसीय संवचन का नियम, हृदय के क्रियात्मक प्रारूप एवं हृदय संपादन का नियम। तो देखिए यहाँ पे जो है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो सारे दे रखे हैं, जैसे कि आप मास एक्शन का नियम, ठीक है, प्रारंभिक उष्मागतिकी, एंजाइम क्रिया, को एंजाइम, ये तो पूरा आपका एंजाइम काइनेटिक्स रहेगा, वो भी आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इनमें कुछ बीमारी का भी दिया है, जैसे एड्स के बारे में आपको पूरा स्ट्रक्चर, इसका डायग्नोस्टिक, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। शर्करा यानी कि डायबिटीज का, वसा व अमानी अम्लों में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी है वो सारा जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ देखिए इन्होंने जो है एनिमल बिहेवियर, तो देखिए ये बायोलॉजी जो है इसका एग्जाम में आपका बॉटनी जूलॉजी दोनों यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है बॉटनी भी आएगा, बॉटनिक भी आपका आएगा, प्लस जूलॉजी भी आएगा, ठीक है। तो ये तो है पीजीटी, ये बायोलॉजी में निकला है, ना कि बॉटनी या जूलॉजी में, तो इसे सेपरेट नहीं निकाला गया, इसे कंबाइंडली निकाला गया, तो ये पूरा का हो गया बायोलॉजी, ठीक है। तो पीजीटी बायोलॉजी यानी कि इसमें आपको बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनिमल बिहेवियर में भी दे रखा है, देखिए एनिमल बिहेवियर में व्यवहार के प्रारूप, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी सब टॉपिक है वहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि मछली एवं पक्षी के संदर्भ में प्रवासी व्यवहार, कि उनका जो बिहेवियर होता है फिशेस का या बर्ड्स का वो कैसा होता है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। वहीं देखिए अगर बात करें डीएनए, आपको पढ़ना पड़ेगा जीन अन्योन्य क्रिया, ठीक है, संलग्नता व जीन नियम, प्राण घातक जीन, तो ये सब देखिए दे रखे हैं, सब टॉपिक जो दे रखे हैं वो सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में आपको पढ़ना है, ये कॉमन है, ये तो ऑलमोस्ट बॉटनी जूलॉजी कुछ भी हो तो ये कॉमन रहता है, तो आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है अनुवांशिकी के मूल तत्व ये सारा पढ़ना पड़ेगा, अनुवांशिकी, विनिमय, संयुग्मन एवं पराक्रमण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए ये अब तक का जो था सिलेबस था वो जूलॉजी का था, अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है वो वनस्पति विज्ञान का यानी कि बॉटनी का है। तो इसमें आपको वायरस पढ़ना पड़ेगा, इसका जो डेफिनेशन, इसका नेचर, इसका स्ट्रक्चर, इसका परागमन और इसका जो है जो रोग जो है वायरस के थ्रू होते हैं वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सारा भी चीज़ें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके आपको यहाँ पे लाइकन भी पढ़ना पड़ेगा, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए एल्गी का भी सेम दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी जो बॉटनी का एल्गी, ब्रायोफाइटा है, ये सारा जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे एल्गी में इन्होंने कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक दे रखे हैं, जैसे थैलस का स्ट्रक्चर आपको, ठीक, थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, साइटोनेमा, क्लेमाइडोमोनास, देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने एल्गी मेंशन कर रखी, तो ये एल्गी भी आपको जो है वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वॉलवॉक्स, यूडोगेनियम, कारा, बैटेकोस्पर्मम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पेडाइना, देखिए इन सबका आपको जो है स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ना पड़ेगा। सेम केस ऐसे ब्रायोफाइटा में आपको रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोथेरोस, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, स्फेनेरिया, ये सारा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ जो इनकी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ऐसे टाइडोफाइटा में भी दे रखा है साइलोटम, लाइकोपोडिकम, सेलाजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, तो देखिए यहाँ पे जो है ये सारे जो है टाइडोफाइटा के जो इम्पोर्टेंट जो टाइडोफाइट्स है उन सब का भी यहाँ पे आपको जो है डिटेल में स्ट्रक्चर और उनका जो लाइफ साइकिल भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे देखिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म भी दे रखा है, जिम्नोस्पर्म में भी आपको उसका क्लासिफिकेशन, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ठीक है, उसका देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में भी आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा
क्लासिफिकेशन जैसे बेंथम हुकल क्लासिफिकेशन दे रखा है उसका नॉमेनक्लेचर। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट जो फैमिली है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। जैसे रैनन क्लेसी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया, कुकरबिटेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया, मालवेसी हो गया, रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलानेसी हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट फैमिली मेंशन की है तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी कि आई थिंक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी पर्टिकुलर प्लांट की। ठीक है, जैसे देखिए देखिए यहाँ पे रेशा के लिए कपास, जूट, नारियल, सनई, तो वही अगर बात करें तेल में तो सरसों का तेल, नारियल का तेल, अरंडी, मूंगफली, तो इन सब का जो भी आपका वितरण है और या भी इनका जो इम्पोर्टेंस है लाइक इनके जो पार्टिकुलर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो किस रोग के लिए यूज करते हैं या किस डिजीज को जो है प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं उसका क्या क्या यूज है, तो ये सारा आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे शर्करा में आपको गन्ना, चुकंदर, ऐसी औषधि में आपको ओपियम, सर्पगंधा, मसाले में धनिया, इलायची, काली मिर्च, लवंग, तो ये सब ज्यादा जो सारी चीजें ये आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया इंपॉर्टेंट प्लांट्स का। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए और भी चीजें दे रखी हैं। देखिए कोशिका सेल का आपका पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका उत्तक एवं अंग कल्चर टेक्निक, ऐसे बीजांड, भ्रूणकोष, भ्रूणपोष, बीज की आकारिक तरह संरचना, तो ऐसे ही आपको जो है और जो यहाँ पे टॉपिक जो सब टॉपिक दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपको जो सेल का जो साइंस है सेल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेल का जो है उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे जो है और भी चीजें हैं जैसे कि आपको यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़नी पड़ेगी, रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, पदग्रहण, प्रकाश संश्लेषण, तो ये सारा चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा जो है प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें हैं जैसे उद्गार मुद्रा, अपरदन, निर्मय मुद्रा, मृदा, या हम बोल सकते हैं भूमि संरक्षण, तो ये सब चीजें तो यहाँ पे आपको मेंशन की रखी है। तो ये जो सारा सिलेबस है ये वो है यूपी पीजीटी सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपने यूपी पीजीटी का फॉर्म फिलअप किया है तो ये जो है ये यूपी पीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी एसएससीईबी से डाउनलोड किया। अगर आप वहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है अपना जो भी ये सिलेबस है वो डायरेक्टली आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।